कैंट पुलिस ने सदर तहसील गेट के पार्किंग पर मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को नहर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान भास्कर दुबे पुत्र तुलसीधर दुबे निवासी बड़को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज शुक्ला पुत्र राजेंद्र प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम ककरही थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 23 मार्च को भास्कर दुबे अपने वाहन से तहसील सदर पर गया था, वहां पर पार्किंग के पैसे को लेकर विवाद हुआ एवं भास्कर दुबे वहां से चला गया। सुबह 24 मार्च को 10 बजे के बाद भास्कर दुबे अपने साथियों के साथ तहसील सदर गेट पर आकर पार्किंग वालों से बदला लेने की नीयत से अपने साथियों के साथ पहुंचा और पार्किंग वालों को मारा पीटा, जिसमें करुणेश शुक्ला, दूसरा तनवेंद्र प्रताप सिंह, तीसरा यश प्रताप सिंह, चौथा बबलू को मारा। उस मारपीट में बबलू को काफी गंभीर चोट आई एवं बबलू लखनऊ केजीएमयू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसको देखते हुए थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसके संबंध में जांच से उक्त मारपीट में भास्कर दुबे एवं सूरज शुक्ला के अलावा विष्णुधर दुबे उर्फ बबलूधर दुबे पुत्र विनोदधर दुबे निवासी सिंदुली बिंदुली थाना रामगढ़ताल गोरखपुर, आशुतोष मल पुत्र शैलेश मल निवासी इंद्रानगर थाना रामगढ़ताल गोरखपुर, अनुराग यादव पुत्र काली दिन यादव निवासी मोहद्दीपुर थाना कैंट गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से अभियुक्त भास्कर दुबे व सूरज शुक्ला को गिरफ्तार कर धारा को चोटों के आधार पर हत्या के प्रयास में तब्दील कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार मोटरसाइकिल को सीज किया गया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि बाकी अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रवि कुमार राय, महेश कुमार चौबे, कांस्टेबल सुरेश यादव, रोहित कुमार शामिल रहे।